हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह का पेन होल्डर है। इसे बनाने की मेथड बहुत ही सिंपल है, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए 12 नंबर का क्रीम कलर के बीड्स और 100 नंबर का फिशिंग वायर और सीजर्स। पहले मैंने 1 मीटर वायर काट लिया है, देखिए मैंने 1 मीटर वायर काटा है और इसमें मैंने 6 बीड्स ली हैं। देखिए 6 बीड्स ली हैं। इसे अब हम बीच में ला के वायर के इसे ठीक बीच में लाना है। अब इसे हम क्रॉस कर लेंगे। देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, 6 बीड्स। और देखिए इस हर एक बीड से अब हम सेट ऑफ 6 करेंगे। तो यहाँ पर एक बीड कॉमन है हमारा, तो हम लेफ्ट साइड की वायर में 5 बीड्स लेंगे। देखिए 5 बीड्स लेफ्ट साइड की वायर में। फाइव बीड्स ली है, इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे राइट साइड की वायर से। फिर नीचे वाले वायर को नेक्स्ट बीड से लेना है, इस नीचे वाले वायर को नेक्स्ट बीड से लेना है। यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है, 1 और 2, और लेफ्ट साइड की वायर में हम लेंगे सेट ऑफ 6 के लिए 4 बीड्स और, 2 कॉमन है, 4 बीड्स और लेना है। फोर इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। फिर वायर को नेक्स्ट बीड से लेना है, 2 कॉमन रहेगा और लेफ्ट साइड की वायर में 4 बीड्स लेके क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए सेकेंड रो का ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर हम 2 बीड से वायर को लेना है, तो हमारा 3 कॉमन रहेगा, 3 कॉमन रहेगा और लेफ्ट साइड की वायर में हम 3 बीड्स और ऐड करके क्रॉस कर लेंगे। अब हम थर्ड स्टेप में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए वायर हमारा इस बीड में है, तो नेक्स्ट बीड में भी लेना है वायर को। तो यहाँ पर 2 कॉमन रहेगा, तो सेट ऑफ 6 के लिए हम लेफ्ट साइड के वायर में 4 बीड्स ले लेंगे। 4 बीड्स थ्री और ये 4, अब हम क्रॉस कर लेंगे। देखिए सेट ऑफ 6 बना है यहाँ पर।
वायर को फिर नेक्स्ट पीट से लेना है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा टू कॉमन है तो सेट ऑफ फाइव बनेगा यहाँ पर, तो इसलिए थ्री लेना है, थ्री बीट्स को ऐड करना है, वन टू और ये थ्री क्रॉस कर लेंगे। सेट ऑफ फाइव बनेगा यहाँ पर, सेट ऑफ सिक्स बना है यहाँ पर, नेक्स्ट सेट ऑफ फाइव। अब वायर को टू बीट से लेना है, ये वन और ये टू, यहाँ पर देखिए वन टू थ्री कॉमन है, वन टू थ्री लेफ्ट साइड के वायर में थ्री बीट्स लेके क्रॉस कर लेंगे, थ्री बीट्स। सेट ऑफ सिक्स बनेगा यहाँ पर, सेट ऑफ सिक्स, सेट ऑफ फाइव, सेट ऑफ सिक्स। अब सेट ऑफ फाइव बनेगा, ऑल्टरनेट फाइव और सिक्स सेट ऑफ बनाना है यहाँ पर, यहाँ पर टू कॉमन है, थ्री और बीट्स लेंगे लेफ्ट साइड के वायर में, वन टू थ्री। हमें शुरुआत सेट ऑफ सिक्स से करना है और जब सेट ऑफ सिक्स करते हैं तो टू बीट से लेना होता है और जब सेट ऑफ फाइव करते हैं तो सिंगल बीट से लेना होता है, तो इसी तरह से हमें पूरे रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस थर्ड रो का ये लास्ट स्टेप है, तो इसलिए वायर को हम दोनों बीट से लेंगे, यहाँ पर एंड होगा इसलिए। तो यहाँ पर सेट ऑफ सिक्स बना है तो यहाँ पर सेट ऑफ फाइव बनेगा, तो थ्री कॉमन है तो टू और बीट्स ऐड कर लेंगे और क्रॉस कर लेंगे, तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड रो कंप्लीट हो जाता है। अब हम फोर्थ स्टेप करेंगे, इसलिए पहले हम राइट साइड के वायर को नेक्स्ट बीट से लेना है, और यहाँ पर टू कॉमन रहेगा, देखिए टू कॉमन है, सेट ऑफ सिक्स बनेगा, इसके लिए हम फोर और बीट्स ऐड करेंगे, फोर बीट्स ऐड करेंगे, टू कॉमन है, सेट ऑफ सिक्स बनेगा, फोर बीट्स क्रॉस कर लेंगे, वायर को फिर नेक्स्ट टू बीट से लेना है, वन टू नीचे वाले वायर को, या फिर अब राइट साइड के वायर को कुछ भी समझ सकते हो, टू बीट से लेना है तो कॉमन थ्री बीट्स रहेंगे, सेट ऑफ सिक्स के लिए थ्री और बीट्स ऐड करना है, वन टू थ्री कॉमन है और ऊपर वाले वायर में हम थ्री बीट्स ऐड कर लेंगे और क्रॉस कर लेंगे। थ्री बीट्स क्रॉस कर लेंगे, सेट ऑफ सिक्स बनेगा, फिर वायर को नेक्स्ट टू बीट से लेना है, थ्री कॉमन रहेगा, थ्री और ऐड कर लेंगे, इसी तरह से हमें नीचे से टू बीट से लेना है और ऊपर थ्री बीट्स ऐड कर लेंगे और सेट ऑफ सिक्स बनाएंगे, इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करना है हमें। देखिए इस रो का ये लास्ट स्टेप है, इसलिए हम वायर को दो प्लस वन
थ्री बीड से लेंगे तो टोटल हमारा फोर कॉमन रहेगा, और सेट ऑफ सिक्स के लिए टू और बीड्स को ऐड करना है। इसी के साथ ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब राइट साइड की वायर को हम नेक्स्ट बीड से लेना है, यहाँ पर टू कॉमन रहेगा, और लेफ्ट साइड की वायर में हम फोर बीड्स लेके क्रॉस कर लेंगे। फोर बीड्स लेफ्ट साइड की वायर में, फोर क्रॉस कर लेंगे। वायर को फिर नेक्स्ट टू बीड से लेना है, वन टू। इस वायर को हम नेक्स्ट टू बीड से लेंगे, थ्री कॉमन है, और ऊपर वाले वायर में हम थ्री बीड्स लेके क्रॉस कर लेंगे, सेट ऑफ सिक्स बनेगा। इसी तरह से हमें पूरे रो को कंप्लीट करना है। देखिए ये लास्ट स्टेप है इस रो का, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बीड्स भी लेंगे, टू बीड्स के अलावा एक और बीड्स के अंदर भी वायर को लेना है, तो टोटल वन टू थ्री फोर कॉमन रहेगा, और टू और बीड्स ऐड करके क्रॉस कर लेंगे, सेट ऑफ सिक्स बनेगा। केवल इस रो को छोड़कर, थर्ड रो को छोड़कर, बाकी सब जगह यहाँ पर सेट ऑफ सिक्स ही बनेगा। केवल थर्ड रो में हमारा एक बार सेट ऑफ सिक्स, एक बार सेट ऑफ फाइव बनेगा, और बाकी हर जगह पर सेट ऑफ सिक्स बनेगा। देखिए नेक्स्ट रो में वायर को नेक्स्ट बीट से लेना है, जैसे हम इन दो रोज को बनाया है ठीक उसी तरह से हम थ्री रोज़ को और बनाएंगे, थ्री रोज़ वन टू थ्री। तो देखिए यहाँ पर टू कॉमन है, और सेट ऑफ सिक्स के लिए फोर बीड्स ऐड करके क्रॉस कर लेंगे, वन टू थ्री और ये फोर, फोर बीड्स टू कॉमन है, क्रॉस कर लेंगे। सेट ऑफ सिक्स, वायर को फिर नेक्स्ट टू बीड से लेना है, थ्री कॉमन रहेगा, थ्री और बीड्स ऐड करके क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह से पूरे रो को हमें टू बीड से लेना है और थ्री बीड्स ऐड करना है, इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा ये पेन होल्डर रेडी हो गया है। यहाँ पर सेट ऑफ सिक्स और सेट ऑफ फाइव के बाद हमने वन टू थ्री फोर फाइव रोज किए हैं। सेट ऑफ सिक्स और सेट ऑफ फाइव का जो रो है, इस रो के बाद हमने वन टू थ्री फोर फाइव रोज किए हैं, तो इस साइज़ का बना है। पहले मैंने जो किया था वो एक रो छोटा है, देखिए, और देखिए इन वायर्स को अब हम ट्रिम करेंगे, लेकिन उससे पहले वायर को दो बीड से लेना है। देखिए इस ऊपर वाले वायर को दो तीन बीड से लेके काट लेंगे, और इस नीचे वाले वायर को इनको भी, इसको भी दो तीन बीड्स के अंदर से लेने के बाद हम काट लेंगे।
देखिए हमने 3 बीड से ले लिया है, अब इसे काट लेंगे। इसी तरह से इस वायर को भी हम 2-3 बीड से लेने के बाद काट लेंगे। देखिए अब हमारा पेन स्टैंड बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो चुका है। आप इस पोर्शन में अंदर से एक फोम शीट लगाकर कवर कर सकते हो इन होल्स को। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।